So hello guys, welcome back to my another electronics project video. So guys, in this video I am showing you how to use liquid crystal display with Arduino and using I2C module. So guys, I am using here I2C module because for avoiding complicated wiring. So guys, all the required code and library you can find from video description. So guys, without wasting any time, let's move on to the project and see how it's working. So guys, as you can see, this is our liquid crystal display. तो गाइस आज हम इसी को Arduino के वहाँ से ड्राइव करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, इसमें बहुत सारी पिंस है, लेकिन गाइस इसके पीछे देखिए एक मॉड्यूल है। तो गाइस ये यही है I2C मॉड्यूल। तो गाइस इससे क्या होगा, हमारा जो वायरिंग है वो बहुत ही आसान हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस देखिए, इसमें यहाँ पर 4 पिन आउटपुट के लिए है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ग्राउंड, VCC, SDA एंड SCL। तो गाइस इन चारों पिन को यूज़ करके हम इसको ड्राइव करने वाले हैं। तो गाइस इसको टाइप करने के लिए जैसा हमें चाहिए एक Arduino। तो गाइस ये रहा हमारा Arduino यूनो। तो गाइस आज हम इसी को इसके वहाँ से ड्राइव करने वाले हैं और हम इस लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। तो गाइस चलिए, इसकी जो वायरिंग है इसकी सर्किट ब्रेकर मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस पहले मैं इसका वायरिंग आपको समझाता हूँ। तो गाइस सिंपली आपको क्या करना है, आपको चाहिए जम्पर वायर। तो यहाँ पर मेरा पास कुछ जम्पर वायर है। तो गाइस देखिए, ये रहा हमारा जम्पर वायर, ठीक है। तो गाइस सिंपली पहले मैं यहाँ पर जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसको वायरिंग कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हमें पहले हमें यहाँ पर ग्राउंड है, उसके बाद VCC, उसके बाद HDMI एंड SCL। तो गाइस हम मैं यहाँ पर जो चारों जम्पर यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरा जम्पर कनेक्ट हो चुकी है। तो गाइस सिंपली मैं जो VCC है उसको मैं Arduino की VCC में कनेक्ट करूँगा। तो गाइस मैं आपको देख के कर लेता हूँ, आपको सर्किट डायग्राम मैं दे दूंगा, आप उसके हिसाब से कर लेना। तो गाइस सिंपली मैं जो क्रिस्टल डिस्प्ले का VCC है उसको मैं Arduino की जो VCC है जो ग्राउंड है उसमें पहले मैं कनेक्ट लेता हूँ। उसके बाद हमें 5 वोल्ट यहाँ पर इन करना है। उसके बाद सिंपली हमें 5 वोल्ट इनपुट कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर है HDMI SCL। तो गाइस पहले HDMI को हमें कनेक्ट करना है A4 में। तो गाइस यहाँ पर करता हूँ A4। उसके बाद SCL के लिए हमें कनेक्ट करना है A5 में। तो गाइस यही था हमारा कुछ सिंपल सा वायरिंग। तो गाइस चलिए, आप यहाँ पर मैं यहाँ पर जो कोड है उसको अपलोड करके देखता हूँ। ये रहा हमारा B-type पोर्ट, इसको मैं अपनी Arduino IDE पे लगा लेता हूँ। तो गाइस जैसे देखिए यहाँ पर प्लग किया, तो गाइस यहाँ पर देखिए क्रिस्टल डिस्प्ले पे यहाँ पर लाइट आ चुकी, मतलब जो बैक लाइट है वो आ चुकी है। तो गाइस इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो गाइस इसके पीछे एक आपको पीछे दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपको रोटेट करके आप यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए, मैं मेरा पहले से सेट है। तो गाइस चलिए, अब मैं यहाँ पर कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को पिन करता हूँ। तो चलिए चलिए PC पेपर चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ गलत कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन पहले से मैं यहाँ पर कुछ कोड अपलोड करता था। तो गाइस यहाँ पर कुछ गलत गलत जो वर्ड है यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो गाइस चलिए, तो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं अपनी PC की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ चुका हूँ। तो गाइस कोड को पहले अपलोड करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरी चाहिए। तो गाइस उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पर जो HDMI को हमने A5 में और सॉरी जो SCL उसको हम A5 में और जो HDMI उसको हम A4 में कनेक्ट किया है। उसके बाद जो ग्राउंड है उसको हमें ग्राउंड में और VCC को हम 5 वोल्ट पे यहाँ पर इनपुट दे दिया। तो गाइस ये रहा हमारा कुछ सिंपल सा सर्किट डायग्राम। तो गाइस इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो गाइस जाके देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो गाइस अभी इसको साइड में रखते हैं। तो गाइस उसके बाद गाइस कोड को अपडेट करने से पहले हमें एक लाइब्रेरी चाहिए। तो गाइस वो रहा ये लाइब्रेरी। तो गाइस ये है Arduino लिक्विड क्रिस्टल I2C लाइब्रेरी। तो गाइस इसको आप सिंपली किसी भी क्रोम ब्राउजर में जाना है। उसके बाद गाइस आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप सिंपली आप जो GitHub है उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पर देखिए Arduino लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी, आपको एक ये बोल के सर्च करना है, टाइप करके सर्च करना है। तो गाइस सिंपली आप जो फर्स्ट पर लिंक आता है GitHub पे उसको अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो डाउनलोड जिप करके यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पर डाउनलोड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसको कर देना है क्लोज। उसके बाद अपनी जो Arduino IDE है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली जाना है स्केच में। स्केच में जाने के बाद जाना है आपको इंक्लूड लाइब्रेरी, उसके बाद एड जिप लाइब्रेरी, ऐसा करके आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर Arduino लिक्विड क्रिस्टल जो डिस्प्ले इसको आपको सिंपली यहाँ पर ओपन कर देना है। तो गाइस पहले से मैंने इसको जो लाइब्रेरी इसको इंक्लूड कर दिया, तो गाइस सिंपली मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है,
आपको जाना है फाइल में, फाइल में जाने के बाद उसको जाना आपको आपको एग्जाम जो सॉरी जो एग्जाम्पल है उसमें जाना है। जाने के बाद गाइज आपको नीचे आना है, तो गाइज आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर देखिए ऑर्डिनो लिक्विड क्रिस्टल आईटीसी लाइब्रेरी। तो गाइज इसके इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड, तो गाइज हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यार हमारा सिंपल सा कोड, तो गाइज यहाँ पर देखिए पहले जो इस कोड में यहाँ पर इंक्लूड किया है जो वायर डॉट लाइब्रेरी, उसके बाद यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल आईटीसी यहाँ पर लाइब्रेरी इंक्लूड किया है, उसके बाद यहाँ पर वर्ड सेटअप के अंदर जो यहाँ पर सिंपल सा एक प्रिंट जो कोड है हेलो वर्ल्ड का यहाँ पर सिंपली लगाया गया है। ठीक है, तो गाइस इसको तो गाइस चलिए पहले हम जाते हैं टूल पर। टूल को जाने के बाद यहाँ पर देखिए ऑर्डिनो पे हमारा बोर्ड पहले से सिलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर पोर्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपली तो गाइस यहाँ पर जो कोड है उसको सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं सिंपली अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद चलिए देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर कोड कंपाइल हो रहा है, तो गाइस देखिए यहाँ पर डन अपलोडिंग हो चुकी है हमारी। तो कैसे देखते हैं हमारा जो प्रिंट है हेलो वर्ल्ड वो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जैसा कि गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। तो गाइस चलिए आप यहाँ पर कुछ अलग से कुछ ट्राई करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड है, तो गाइस उसके बाद हम और भी कुछ जो टेक्स्ट है उसको हम अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो गाइस चलिए हम उसके लिए कोड को ट्राई करते हैं और देखते हैं यहाँ पर प्रिंट होती कि नहीं। तो गाइस चलिए, तो गाइस यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही कोड तैयार करके रखा है। तो गाइस मेरे स्कूच सॉरी मेरे स्केच बुक में, तो गाइस वहाँ पर इसे मैं उठा लेता हूँ। तो गाइस कहाँ गया क्रिस्टल डिस्प्ले, ये रहा। तो गाइस ये रहा हमारा कोड, तो गाइस ये रहा फिर से वही सिंपल सा कोड देखिए, पहले से यहाँ पर हमारा जो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद गाइस यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा वेलकम, उसके बाद इट्स सुब्रतो, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो मैंने जो है यहाँ पर क्रिएट जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है गाइस वो हमारे यहाँ पर प्रिंट होगा। तो गाइस ये रहा देखिए टेक्स्ट। तो गाइस इस कोड का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो गाइस आप जाकर डाउनलोड सॉरी कॉपी करके आप ट्राई करना एक बार। ठीक है, तो गाइस इसलिए इस कोड को सिंपली मैं जो ऑर्डिनरी है उसमें सॉरी जो ऑर्डिनरी है उसमें अपलोड करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर डाउनलोडिंग हो चुकी है, तो गाइस चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो जो टेक्स्ट है बहुत ही फास्ट यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है। तो गाइस इसमें कोड में कुछ दिक्कत था, मतलब जो हमने जो डिले लगाया था मतलब उसके 1000 था, तो इसीलिए जो हमारा जो टेक्स्ट है बहुत ही फास्ट फास्ट यहाँ पर शो कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं नया कोड यहाँ पर अपलोड करता हूँ, यहाँ पर डिले 3000 करता हूँ। तो गाइस चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने कोड यहाँ पर अपलोड किया, देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट का जो तो टाइम है वो बहुत ही स्लो मतलब धीरे हो गया। तो गाइस ऐसे ही आपको कोड में भी देख के काम करना है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो कोड है हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो गाइस इसमें कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो गाइस इसीलिए आपको कोड को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, कोड में कुछ दिक्कत है तो नहीं। ठीक है, नाउ गाइस टाइम टू से गुड बाय। सो गाइस एज यू एंड वन थिंग गाइस as you like the video then you can obviously hit the like button and subscribe button. So see my next project, tab tak ke liye stay tuned, stay safe.